मुंबई अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन का काम हुआ शुरू। भारत माला योजना को 5,35,000 करोड़ दिए जाने का जिक्र। 53,000 किलोमीटर राजमार्ग किया गया चिन्हित। किसानों के लिए मुश्किलों के समाधान से मिलेगा लाभ। 275 मिलियन टन खाद्यान्न, 300 मिलियन टन फल सब्जियों का हुआ उत्पादन। 2017 में 5,75,00,000 किसानों को मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना हुआ लक्ष्य। दालों के लिए नई नीति से दलहन की उपज में 38% का इजाफा। किसान संपदा योजना से किसानों की खुशहाली की बात। इससे पहले बजट सत्र के लिए संसद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने दिया भरोसा, कहा आम आदमी के सपनों को पूरा करने वाला होगा बजट। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास आम आदमी पार्टी के सांसदों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में सीलिंग के खिलाफ आवाज। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी आम आदमी पार्टी के अयोग्य करार दिए गए 20 विधायकों की याचिका पर सुनवाई। चुनाव आयोग के फैसले पर राष्ट्रपति ने लगाई थी मंजूरी की मोहर। लाभ के बस से जुड़े मामले में आपके 20 मंत्रियों को गंवानी पड़ी थी, संसदीय मंत्रियों को गंवानी पड़ी थी सदस्यता। कासगंज हिंसा को यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने बताया कलंक। योगी सरकार को किया आगाह, दोबारा ना हो ऐसी घटना। हिंसा में आरोपियों पर लगेगा रासुका। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 20,00,000 की मुआवजा राशि देने का आह्वान किया। कासगंज हिंसा में अब तक पुलिस ने 112 लोगों को पकड़ा, 31 को भेजा गया जेल। अलीगढ़ रेंज के आईजी संजय गुप्ता के अनुसार स्थिति पूरी तरह से अब नियंत्रण में। आईजी ने कहा हिंसा के बाद ड्रोन कैमरों से की जा रही है जिले की निगरानी। कासगंज हिंसा पर डीजीपी ने राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट। सूत्रों के अनुसार एसपी को सस्पेंड करने की सिफारिश। रिपोर्ट में एसपी सुनील सिंह के कामकाज पर सवाल, समय रहते एक्शन नहीं लेने का आरोप। रिपोर्ट में कहा गया सूचना मिलने के बाद भी घंटों देर से पहुंचे एसपी, जिसके कारण स्थिति काबू से बाहर हो गई। कासगंज में हुई हिंसा के बाद सीएम योगी की डीजीपी समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, स्थिति पर चर्चा। कासगंज में शांति बहाली के लिए डीएम ने बुलाई पीस मीटिंग, सभी लोगों ने हिस्सा लिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। कासगंज में हिंसा के विरोध में लखीमपुर खीरी में एबीवीपी ने निकाला कैंडल मार्च। मृतक के परिवार को 50,00,000 रुपये मुआवजा देने की मांग। कासगंज की घटना के विरोध में फरुखाबाद में बीएचपी का प्रदर्शन, जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश। कासगंज में हुई हिंसा पर तेज हुई राजनीति। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा घटना के लिए राज्य सरकार दोषी। कासगंज जाने से रोके जाने पर साध्वी प्राची हुई खफा। सिकंदरा राव के कोतवाल को धमकाया, डीएसपी से कहा 2 दिन में सस्पेंड होना चाहिए ये कोतवाल। चंद्रबाबू नायडू के बहाने शिवसेना ने बीजेपी पर बोला हमला। उद्धव ठाकरे ने कहा सहयोगियों से विश्वासघात करना बीजेपी की आदत। पीडीपी ने भी एनडीए से गठबंधन खत्म करने के दिए संकेत। चंद्रबाबू नायडू ने कहा अगर हमारी जरूरत नहीं तो नमस्ते करने को हम तैयार। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी, कहा पूंजीपतियों का बगल बच्चा बने मोदी। बहादुरों की विदेशी कंपनियों, बहादुरों का अगर नया कोई वायसराय इस देश में है तो नरेंद्र मोदी है। और उसके साथ साथ जो शब्द मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर मरूं, पूंजीपतियों का बगल बच्चा बन गए आप। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा की अग्नि परीक्षा। अजमेर और अलवर की लोकसभा सीटों के साथ मंडलगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग। सांसदों और विधायक के निधन के बाद खाली हुई हैं तीनों सीटें। वसुंधरा सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर। पश्चिम बंगाल में उलबेरिया लोकसभा और नवपाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी मतदान चल रहा है। तृणमूल बीजेपी के बीच सीधी टक्कर। दिल्ली में सीलिंग को लेकर राजनीति। आपने संसद भवन तक निकाला मार्च, सुरक्षा बलों ने किया बल प्रयोग। आपके विधायकों ने एलजी को लिखी चिट्ठी, मुलाकात का मांगा समय। कारोबारियों को सीलिंग से राहत दिलाने की मांग। यूपी में बेलगाम अपराधी मेरठ में आपसी रंजिश में युवती को अगवा कर रेप की कोशिश, विरोध करने पर मार दी गोली। अस्पताल में भर्ती युवती की स्थिति गंभीर, अब तक कोई गिरफ्तार नहीं।
दिल्ली में बीती रात रफ्तार का कहर, बंगाली मार्केट ध्वस्त, डिवाइडर से टकरा गई कार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नेशनल हाईवे पर धू धू कर जला ट्रक, किसी के घायल होने की खबर नहीं। पंजाब के कपूरथला में डीएसपी विजिलेंस के बेटे पर पड़ोसी से मारपीट का आरोप, वायरल हुआ वीडियो। फरीदाबाद में मुआवजे की मांग को लेकर 5 गांवों के किसानों का प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के दफ्तर का किया घेराव। कानपुर में जहरीली शराब से शख्स की मौत पर ग्रामीणों का भड़का गुस्सा, जमकर हंगामा। ठाणे में सिविल अस्पताल के बाहर खड़ी 4 गाड़ियों में अचानक लगी आग, लोगों में अफरा तफरी। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, आग के कारणों का पता नहीं। जबलपुर में एक होटल में आग से अफरा तफरी, दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी ने पटरी पर लेटकर चलती ट्रेन के नीचे की आत्महत्या की कोशिश, ऊपर से ट्रेन गुजरने के बाद भी नहीं आई खरोच। ट्रेन गुजरने के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ शख्स, घटना से प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की खुली पोल, पन्ना में पुलिस की 100 डायल गाड़ी लूटकर बदमाशों ने 18 साल की लड़की का किया अपहरण। यूपी के हापुड़ में शख्स ने पत्नी को 3 तलाक दिया, पंचायत ने गैंगरेप के बाद आरोपी से कराया था निकाह। यूपी के अलीगढ़ में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, चोरी की 17 बाइक्स के साथ पकड़े गए 9 लोग। यूपी के बाराबंकी में पत्नी से अवैध संबंधों के शक में दोस्त ने दोस्त का मर्डर किया, 2 गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में भूमि विवाद में किसान की बेरहमी से हत्या, अब तक कोई गिरफ्तार नहीं। बिहार के सुपौल में प्रसव के दौरान महिला की मौत पर बवाल, गुस्साए परिजनों का अस्पताल में जमकर हंगामा। दिल्ली से सटे नोएडा में गार्डेनिया ग्लोरी में फ्लैट बुक कराने वालों का हंगामा, गार्डेनिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बाराबंकी में भारी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार 1 नेपाल का रहने वाला। आजमगढ़ में स्कूल में महिला शिक्षा मित्र से मारपीट, हेडमास्टर समेत 2 गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में 4 साल की मासूम को अगवा कर दरिंदगी, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के शाहदरा में एक स्कूल से कंप्यूटर और कीमती सामान लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में कैद। यूपी के मुरादाबाद में स्कूल में 12 सिंगा घुसने से हड़कंप, बच्चों ने भागकर बचाई अपनी जान। कई घंटों की मेहनत के बाद पकड़ में आया 12 सिंगा, स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बिहार के आरा में महिला से गैंगरेप पर लोगों का भड़का गुस्सा, हाईवे को जाम किया। ओडिशा के टिटलागढ़ में अज्ञात लोगों ने आरपीएफ के जवान पर जानलेवा हमला किया, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के भरतपुर में प्रेमी जोड़े ने होटल में गोली मारकर की आत्महत्या, दोनों शादीशुदा थे। सीमा पार से घुसपैठ की आशंकाओं को देखते हुए गुरदासपुर में तलाशी अभियान तेज, सीमा से सटे इलाकों में चौकसी। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा, खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत। रिलीज के 4 दिन बाद भी पद्मावत पर बवाल जारी, बिहार के मुजफ्फरपुर में उपद्रवियों ने सिनेमा घर पर पेट्रोल बम फेंका, हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। घटना के बाद थिएटर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। आईपीएल की बोली में जयदेव उनादकट की लगी लॉटरी, राजस्थान ने 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, साल भर बाद सुरेश रैना की वापसी। श्रेयस सैयर की टीम से छुट्टी, 18 फरवरी को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा पहला मुकाबला। जोहान्सबर्ग टेस्ट में मिली जीत से कप्तान विराट कोहली गदगद, कहा टीम ने विदेश में जीतने की काबिलियत सिद्ध की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिली जीत के लिए फेडरर ने पत्नी को दिया श्रेय, कहा उनकी प्रेरणा से मिलती है ऊर्जा। पाकिस्तान के किलर माउंटेन पर फंसी फ्रांसीसी पर्वतारोही को बचाया गया, पोलैंड का साथी अब लापता। चीन के हुनान में भारी बर्फबारी, जनजीवन बेहाल, सड़कें जाम, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। फिलीपींस में ज्वालामुखी फटने के बाद हो रही बारिश से शहर में मलबे का अंबार, स्थानीय लोग परेशान। संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत एंजेलिना जोली की दुनिया के नेताओं से अपील, कहा सीरिया में युद्ध खत्म करने के लिए आ गया है। इटली में होने वाली स्कीइंग प्रतियोगिता को लेकर लोगों में भारी जोश, 200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।